पे जो खड़ोले में घरबारी पड़ा है, तो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य दीपक भाई ने हमें यहाँ पर बुलाया था, तो मैं विपुल भाई के साथ में हमारे टीम यहाँ पर उपस्थित हुई और यहाँ के जो घरबारी पड़ा के लोग हैं उनको हम लोग मिले, तो हमें भी बड़ा अचरज लगा कि यहाँ पे तो 3 घर ऐसे हैं कि जिनको इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनाया गया था और उनके घर, ये जो नया हाईवे बनने वाला है वो हाईवे की बाउंड्री में आता है, उनको निकालने के लिए बोला गया है लेकिन उनको कंपेंसेशन के तौर पे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो एक बार सरकार ने उनको ही रहने के लिए मकान बना कर दिया था और आज जब ये सरकारी मकान वो यहाँ से जगह खाली करने की बात आई तो उनको कंपेंसेशन में नाम नहीं आ रहा है। तो हम लोग सरकार को रजूआत करेंगे कि ये समस्या क्यों हुई, कहाँ पे कमी रह गई है। हम सरकार को यहाँ की सारी जानकारी देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 9 से 10 घरों के विजिट की, सभी घरों का ऐसा कहना है कि जब भी सर्वे हुआ था तो हमारी जगह का भी सर्वे तो हुआ था लेकिन जब भी फाइनल लिस्ट आया तो उसमें कंपेंसेशन के लिस्ट में हमारा नाम नहीं था। तो वो कमी कहाँ पर रह गई, क्या कैसे छूट गए, हम सरकार से बातचीत करेंगे, प्रशासन से बातचीत करेंगे और इन लोगों का प्रश्न का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरी भी एक समस्या यह जानने को मिली है कि यहाँ पर जिन लोगों को कंपेंसेशन भी मिलने वाला है तो उन लोगों के पास रहने के लिए दूसरी जगह नहीं है, तो वो लोग कहाँ पर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जगह है लेकिन वो डुबान में चली जाती है, जो बारिश के सीज़न में पूरी पानी में चली जाती है, तो उनके पास भी कोई अच्छी जगह नहीं है कि वहाँ पे वो लोग तुरंत सेटल हो सके। तो इन सारी समस्याओं का हम लोग सरकार के प्रशासन के साथ में, कलेक्टर साहब के साथ में बातचीत करेंगे और इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमने यह देखा है जब से हम लोग प्रशासन के साथ में जुड़े हैं, प्रशासन के साथ में अच्छा तालमेल बना है, तब से हमने देखा है कि प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के पास हम लोगों की जो एक्चुअल समस्या है यह सारी समस्या अच्छे से बताए तो उनका समाधान वो तुरंत देते हैं। वो कोई बड़े बड़े वायदे वचन वाली बात नहीं रहती है, मतलब आज हमने समस्या बताई तो दूसरे दिन ही उसका समाधान दे देने वाली यह प्रशासनिक अधिकारियों की हमेशा तालाबेली रही है। आज तक हमारे काफ़ी इश्यू इसी तरीके से सॉल्व हुए हैं और इस समस्या को सुलझाने के लिए हम लोग 1-2 दिन में ही प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ पे लाके दिखाएंगे, इसका समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जमीन नहीं है इधर तो कहाँ हम लोग रहेंगे, तो हम लोग को जमीन चाहिए ऐसा घर बनाने के लिए, घर का पैसा भी और घर का पैसा भी चाहिए, तो घर हम लोग कैसे बनाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे बने, कैसे रहेंगे घर में। हमारे परिवार 4 है। अच्छा। हाँ, 4 परिवार है और विधवा पेंशन है। अच्छा। आवाज अवनवा वीडियोस माटे अब तक नी चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक अने शेयर करता ना भूलशो। आज रीते जोड़ेला रहो अब तक साथे।